हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ज्यामितीय आकृतियों से बने पैटर्न के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चंपापुर में प्लास्टिक के कारण बहुत प्रदूषण हो रहा है, इसलिए सभी गांव वालों ने मिलकर प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने का फैसला किया है। गग्गू ने सोचा, क्यों ना वो अपनी दुकान पर ज्यामितीय आकृतियों से बने पैटर्न वाली कपड़े की थैलियां बेचे। गग्गू ने पहले एक कपड़े की थैली पर इस तरह से पैटर्न बनाया। गांव वालों को इस पैटर्न की थैलियां बहुत पसंद आई, लेकिन बन्नी को ये पैटर्न अधूरा लग रहा है। अगर मैं इस पैटर्न को और आगे बढ़ाऊं, तो ये थैली और भी सुंदर लगेगी। ये सोचकर बन्नी ने गग्गू से इस पैटर्न की एक थैली खरीद ली और अपने घर लौट आया। गग्गू ने इस पैटर्न को बनाने के लिए किस नियम का इस्तेमाल किया है? बन्नी सोच रहा है। बच्चों, क्या आप बन्नी को इस पैटर्न के नियम को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। यहाँ गग्गू ने पिछले निशान में बने इस छोटे त्रिकोण को अगले निशान में घड़ी की सुई की दिशा में बड़े त्रिकोण के अगले कोने में बना लिया है। इस तरह से हर बार गग्गू ने इस छोटे त्रिकोण को घड़ी की सुई की दिशा में बड़े त्रिकोण के अगले कोने में बना बना कर ये पैटर्न बनाया है। बन्नी ने भी आप ही की तरह इस पैटर्न का नियम ढूंढकर थैली पर बने पैटर्न को पूरा कर लिया। अगले दिन जब बन्नी गग्गू की दुकान पर गया, तो उसने देखा कि गग्गू अब इस नए पैटर्न की थैलियां बेच रहा है। बच्चों, क्या आप इस पैटर्न का नियम ढूंढकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं? वीडियो को रोककर इसका हल जल्दी से ढूंढें। यहां हर बार गग्गू ने इस आयत के अंदर बनाए आकारों के क्रम को घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घुमा घुमा कर ये पैटर्न बनाया है। जब गग्गू ने बन्नी द्वारा पूरी की गई थैली देखी, उसे वो बहुत पसंद आई। और फिर गग्गू और बन्नी दोनों साथ मिलकर और भी सुंदर थैलियां बनाने लगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों से बने पैटर्न के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को देखेंगे।